हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम फिटर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक सोल्व करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन हम आज की वीडियो में करेंगे जो होने वाले हैं फिटर वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास। फिटर हुआ, टर्नर हुआ, वेल्डर हुआ, उनके लिए खास होने वाले हैं। और किस किस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए खास होंगे वो देखते हैं। यूपी आर्बिनल एग्ज़ाम अगर आप देते हैं, इसरो एग्ज़ाम देते हैं, आईटी एग्ज़ाम आप देते हैं, आईओएफ यानी कि इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्री का एग्ज़ाम आप देते हैं, डीआरडीओ या डीएमआरसी एग्ज़ाम आप देते हैं, तो आज की वीडियो में जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे दोस्तों, और यही सीरीज़ हर रोज़ चलती है हमारे चैनल पर, तो उसको आप रोज़ अटेंड करते हैं तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे क्लियर होने वाले हैं कि आपका जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपकी ट्रेड से संबंधित रिलेटिव मैटर हम हर रोज़ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले बता दूं आपको, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए शुरू देखिएगा दोस्तों, हम शुरू करेंगे आज की वीडियो को हमारे 11वें क्वेश्चन से। इससे पहले के जो 10 क्वेश्चन थे वो हमने पहले ही कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं जो है, लेथ पर कैरीज क्यों दिया जाता है। यहाँ पर पूछा है कि लेथ मशीन पर कैरीज क्यों दिया जाता है। यह क्वेश्चन यूपी आरबीएनएल TG2 फिटर में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। ऑप्शन देखते हैं, कर्त्यांश को होल्ड करने के लिए, ठीक है, और कर्तन औजार को होल्ड और भरण के लिए यानी भरण यानी कि फीड के लिए, स्थिर केंद्र को होल्ड करने के लिए, स्पंडल गति को उल्टा करने के लिए, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन था कि लेथ पर कैरीज क्यों दिया जाता है, तो इसके लिए ऑप्शन जो है हमारा बी राइट हो जाएगा। कर्तन औजार को होल्ड करने के लिए और भरण देने के लिए यानी कि फीड देने के लिए कैरीज का उपयोग किया जाता है। रीज़न देख लेते हैं। देखिए, लेथ पर कैरीज कर्तन औजार को होल्ड और भरण देने के लिए दिया जाता है। कैरीज पर कटाई औजार बांधे जाते हैं यानी कि कटिंग टूल्स बांधे जाते हैं। स्पंडल के घुमाव के साथ साथ कार्यखंड पर कटाई करते हैं। औजार को आवश्यक फीड तथा चूड़ी आदि काटते समय खंड या स्पंडल के सापेक्ष अमुक गति पर चलाने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। कैरीज को आवश्यक गति पर स्पंडल द्वारा किसी उपयुक्त फीड चालन तथा फीड गियरबॉक्स के माध्यम से चलाया जाता है। तो ये भी यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है कि कैरीज को आवश्यक गति पर स्पंडल द्वारा किसी उपयुक्त फीड चालन तथा फीड गियरबॉक्स के माध्यम से चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, पूछा गया है, साइज ऑफ लेथ इज स्पेसिफाइड बाय विच वन ऑफ द बिलो, यानी कि लेथ मशीन को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, बताया जाता है। तो ये क्वेश्चन डीएमआरसी मेंटेनर फिटर में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपका टेपर टर्निंग, ऑप्शन बी है स्पीड, ऑप्शन बी है सेंटर हाइट, ऑप्शन सी है स्पीड, ऑप्शन डी है कटिंग डेप्थ। तो देख लेते हैं, ऑप्शन जो है आपका बी यहाँ पर राइट हो जाता है। तो देखिएगा, रीज़न हम देख लेते हैं, खराद मशीन की विशिष्टियां तथा साइज खराद के आधार से केंद्र की अधिकतम ऊंचाई है। 150 mm तक केंद्रक वाली छोटी खरादें, 150 से 300 mm तक मध्यम खरादें तथा 300 mm से अधिक ऊंचाई वाली भारी खरादें होती हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, लेथ मशीन को जो विशिष्ट किया जाता है वो किया जाता है विशिष्टियाँ तथा साइज खराद के आधार से केंद्र की अधिकतम ऊंचाई से किया जाता है, सेंटर हाइट से किया जाता है। देखिएगा, 50 mm तक केंद्रक वाली खराद मशीन जो लेथ मशीन जो होती है वो छोटी मशीनें होती हैं, 150 से 300 वाली मध्यम मशीनें होती हैं तथा 300 mm से अधिक वाली भारी खराद मशीन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, जो पूछा गया है, किस प्रकार की खराद का उपयोग उत्पादन कार्य में किया जाता है, यानी कि प्रोडक्शन के लिए किस लेथ का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन इसरो टेक्नीशियन बी में पूछा गया है, टर्नर में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है सेंटर लेथ, ऑप्शन बी है बेंच लेथ, ऑप्शन सी है टूल रूम लेथ और ऑप्शन डी है कैप्स्टन लेथ। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कैप्स्टन या ट्रेट लेथ होता है। ट्रेट लेथ काफ़ी इंपॉर्टेंट लेथ है दोस्तों, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फॉलोवर रेस्ट, जो कि इसरो टेक्नीशियन बी में पूछा गया था। फॉलोवर रेस्ट क्या है? ऑप्शन ए है कार्य वस्तु का अनुगमन, ऑप्शन बी है उपस्कर का अनुगमन, ऑप्शन सी है खराद आधार पर अचल और ऑप्शन डी है टेलीस्टॉक पर अचल। देखते हैं राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होता है। ऑप्शन बी यानी कि फॉलोज द टूल, उपस्कर का अनुगमन आपका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेथ बेड किसके द्वारा बनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ ये पूछा गया था इसरो टेक्नीशियन बी एग्जाम 2016 में। तो लेथ बेड माइल्ड स्टील का, कास्ट आयरन का, टाइटेनियम का या एल्यूमिनियम का, किसका बना हुआ होता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है, कास्ट आयरन का लेथ बेड बना होता है, कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो है, जॉब को उत्केंद्रित चलाने के लिए जॉब को पकड़ने हेतु निम्नलिखित पद्धति का उपयोग किया जाता है, किस पद्धति का उपयोग जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है? इसरो टेक्नीशियन बी में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देख लेते हैं ऑप्शन, यहाँ पर आपका ऑप्शन है थ्री जा चक, कलेट चक, फोर जा चक या नॉन ऑफ अबो यानी कि उपरोक्त सभी। तो आपसर राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है फोर जा चक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देख लेते हैं और रीजन इसका देख लीजिए, जॉब को उत्केंद्रित चलाने के लिए जॉब को पकड़ने हैं तो फोर जा चक का प्रयोग किया जाता है, इसके द्वारा कार्यखंड को शीघ्र ही ठीक केंद्र पर समन्वित करने के लिए चक की सतह पर सकेंद्रीय वृत्त बने होते हैं, इन चकों का प्रयोग वर्गाकार, अष्टभुजाकार तथा अनियमित आकृति के कार्यखंडों को पकड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, वापस से आ चुका है, लेथ का आधार बना होता है, यहाँ पर पूछा है LMRC मेंटेनर फिटर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी है अलॉय स्टील, ऑप्शन सी है पिग आयरन और ऑप्शन डी है आपका चिल्ड कास्ट आयरन। लेथ का आधार किससे बना होता है? तो देखिए लेथ का आधार जो होता है चिल्ड कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेथ बेड के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सर्वोत्तम सामग्री कौन सी है, नोएडा मेट्रो में पूछा गया क्वेश्चन है मेंटेनर फिटर के लिए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर है स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी है ढलवा लोहा, ऑप्शन सी है मृदु इस्पात और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ढलवा लोहा, ऑप्शन बी यानी कि कास्ट आयरन राइट आंसर आपका हो जाता है। जो कि लेथ बेड के लिए जो प्रयोग की जाने वाली धातु है वो क्या है, देखिएगा ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो है, लेथ मशीन के भाग का नाम बताएं जो कर्तन उपस्कर को पकड़ने के लिए और चलाने की रीति को उपलब्ध करता है, क्या पूछा है? इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेम द पार्ट ऑफ लेथ मशीन डेट प्रोवाइडेड द मेथड ऑफ होल्डिंग एंड मूविंग कटिंग टूल। ठीक है, लेथ मशीन के भाग का नाम बताएं जो कर्तन उपस्कर को पकड़ने और चलाने की रीति को उपलब्ध कराता है। ऑप्शन देख लीजिएगा, बेड, ऑप्शन बी है हेड स्टॉक, ऑप्शन सी है कैरीज और ऑप्शन डी है टेलीस्टॉक। कई बार ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ इसरो टेक्नीशियन बी में पूछा गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाता है कैरीज। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिएगा, लेथ की एक इकाई जिसमें गति का चयन करने के लिए खराद तरकू तथा नियंत्रित लीवर लगे हुए हों को क्या कहा जाता है, DMRC मेंटेनर फिटर में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर ऑप्शन हम देख लेते हैं, सॉरी ऑप्शन यही है, ऑप्शन देख लेते हैं, DMRC मेंटेनर फिटर में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अग्र स्कंद, ऑप्शन बी है टेल स्टॉक, ऑप्शन सी है प्रबरण पेटी और ऑप्शन डी है कैरीज यानी कि खांटी। तो आपका राइट जो हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पर अग्र स्कंद, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, यहाँ पर इसका रीजन दिया हुआ है। आज की वीडियो में हमने फिर से 10 क्वेश्चन किए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं सभी एग्जाम्स के लिए। एक बार फिर आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।